हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज़ मीनाक्षी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल टेररिज्म की। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर NTUGC नेट 2019 का जो आपका जून में जो आपका एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। टारगेट हमारा आपका JRF है कि आपका JRF आए। इंटरनेशनल टेररिज्म पर आज हम बात करेंगे, ये पार्ट फोर है। इससे पहले आपने अगर इससे पहले और भी मैंने पार्ट्स इसके कराए हुए हैं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो मस्ट वॉच। इससे क्या होगा कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं अन अकेडमी पर एक वेरीफाइड एडुकेटर हूँ। अन अकेडमी का आप फ्री लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है इसका आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर मुझे मीनाक्षी सिंह के नाम से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर मैं डेली लाइव क्लासेस दे रही हूँ। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस वहाँ पर चल रही हैं। डेली लाइव क्लासेस में आज बच्चे आए थे, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब भी बच्चे आए। ठीक है, और मुझे ये जानकर भी बहुत खुशी हुई कि आप लोग पढ़ रहे हो सीरियसली। ठीक है, तो आप लोग वो दिन दूर नहीं है कि आप लोगों का JRF पक्का है। ठीक है, सो डेली लाइव क्लासेस यहाँ हो रही हैं। स्ट्रक्चर पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको कराए जा रहे हैं। 3 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है। ठीक है, थोड़े दिनों का और है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। 3 मंथ्स में अप्रैल तक के अप्रैल में 1 अप्रैल से मैंने जितने भी लेसन्स कराए हैं और अभी जून तक, ठीक है, जून तक ये बिल्कुल चलेगा पूरा पूरा। ठीक है, वहाँ तक मैं जितना भी आप लोगों को कराऊंगी उसका आप लोग सारा देख सकते हैं। लेसन्स जो हैं टॉप एडुकेटर्स के द्वारा, वीकली क्विजेज हो रहे हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन हो रहे हैं। आपको क्या करना है, प्लस टैब में जाना है, वहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन होगा। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाके 3 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको 3 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन में देखिए मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लेना, मीनाक्षी सिंह ट्यूटर 1996। आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइजेज में आपको सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। तो आज हम लोग विभिन्न समूह और उनके उद्देश्यों को पढ़ेंगे। तो अमेरिकी विदेश विभाग के रिकॉर्ड 1994 के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, साबरी अल बाना के नेतृत्व में अबू निदाल संगठन जो है ये लीबिया में है और इसका मुख्यालय ANO गतिविधियों का समन्वय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित है और मुस्लिम आतंकवादी समूह है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें, इस्लामिक समूह अल्जीरिया के धर्मनिरपेक्ष सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है और इस्लामी शासन से बदलने का प्रयास करता है। उसके बाद देखिए, बास्क फादरलैंड और लिबर्टी की जो स्थापना है 1959 में हुई थी, जो अभी एक तरह से मार्क्सवाद के लिए प्रतिबद्ध है, और स्पेन के बास्क क्षेत्र में एक स्वतंत्र मातृभूमि निर्माण की क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। ठीक है, इसी के बाद हमास है, ये 1987 का है और मुस्लिम ब्रदरहुड की फिलिस्तानी शाखा से उभरा है और इजराइल में एक मुस्लिम फिलिस्तानी राज्य के लक्ष्य का क्या करता है, पीछा करता है। उसके बाद देखिए, हिजबुल्ला जिसे ईश्वर की पार्टी कहते हैं, एक कट्टरपंथी शिया धार्मिक समूह है जो लेबनान में ईरानी शैली के इस्लामिक गणराज्य की स्थापना करना चाहता है। उसके बाद देखिए, कांच कहन घोषित इजराइल के बाइबल राज्य को बहाल करना और फिलिस्तान में शांति प्रक्रिया को रोकना, इस समूह एक चरमपंथी सदस्य ने नवंबर 1995 में प्रधानमंत्री रॉबिन की वहां पर हत्या कर दी थी। उसके बाद देखिए, अनंतरिम आयरिश रिपब्लिकन पार्टी 1969 की, ये आयरलैंड में है। ठीक है, और ब्रिटिश सेनाओं को वहां से हटाने और आयरलैंड में एकजुटता करने की मांग पर ये वहां पर गुप्त सशस्त्र विक के रूप में काम कर रही है, सुदेरो लुमिनोसो, इसे शाइनिंग पद भी कहा जाता है, और 1960 की है। ठीक है, और ये गुरिल्ला समूह है, कैसा समूह है, गुरिल्ला, जो इसमें पेरू के विदेशी प्रभावों को दूर करने और मौजूदा जो पेरू है उसके संस्थानों को नष्ट करने और क्रांतिकारी जो किसान हैं उन शासन में बदलने का इसका लक्ष्य है। अब देखिए, हाल ही के दिनों में देखें तो आतंकवादी समूह का प्रसार हुआ है। 1980 के दशक में भारत ने खालिस्तान और सिख मातृभूमि के निर्माण के नाम पर विदेशी प्रायोजित और वित्त पोषित आतंकवाद का सामना किया है, और मुख्य रूप से देखें तो पाकिस्तान में भारत विरोधी ताकतों और कनाडा में जो कुछ व्यक्तियों की खेल योजना है ये, कि वहां पर ये क्या करना चाहते हैं, यहां पर एक खालिस्तान की डिमांड करते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान ने कभी भी जम्मू कश्मीर और राज्य में भारत में प्रवेश नहीं दिया। कश्मीर को प्राप्त करने के लिए युद्धों के माध्यम से अपने प्रयासों में बहुत बार पाकिस्तान असफल भी हुआ है, और पाकिस्तान विशेष रूप से कश्मीर के लोगों और भारत को आतंकित करने के लिए कई आतंकवादियों को प्रशिक्षित करता है, बहुत ज्यादा पैसा देता है और प्रायोजित भी कर रहा है। ठीक है, और आतंकवाद अगर हम देखें तो बेरोकटोक जारी है सीमा पार से, जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तैयबा है, जैसे कई संगठन हैं जो कई हजार निर्दोष लोगों की जानें अब तक ले चुके हैं, बच्चे अनाथ हुए हैं, महिलाएं विधवा हुई हैं और संपत्ति को बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचा है।
उसके बाद देखिए तमिल इलम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ श्रीलंका का मुख्य रूप से श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से में रहने वाले तमिल अल्पसंख्यक के लिए मातृभूमि के निर्माण के लिए हिंसक आंदोलन काम कर रहे हैं और 1980 के दशक से चल रहे इस आंदोलन का जीवन भर भारी बोझ उठाया है। इसके निशाने पर केवल सिंधी लोग हैं और उनके कुछ नेता ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी कुछ लोग रहे हैं। आतंक पैदा करने से इसके उद्देश्य से लंबे समय तक दुख पैदा भी हुआ है क्योंकि भाई आतंक पैदा हो रहा है और निर्दोष लोगों की जाने जाती जा रही हैं। अब देखिए अलकायदा और उसका नेटवर्क अगर हम देखें तो लोगों ने 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद अलकायदा नामक एक संगठन के बारे में सुना था, ठीक है, और इसने एक तरह से संयुक्त राज्य ने निष्कर्ष निकाला कि अलकायदा जो है वो सऊदी असंतुष्ट ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था और तालिबान नामक शासन कट्टरपंथी शासकों की मिली भगत से अफगानिस्तान में चल रहा था, ठीक है। एक बार जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने ओसामा और उसके अलकायदा को समाप्त करने का फैसला किया तो वहां पर तालिबान के निर्माता पाकिस्तान ने अलकायदा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने का क्या लिया, फैसला लिया, डिसीजन लिया। उसके बाद देखिए अब्दुल्ला आजम ने सख्त इस्लामिक सिद्धांतों को स्थापित समाज बनाने के लिए 1987 में अलकायदा अल सुलबा की स्थापना की और ओसामा बिन लादेन ने अपने पिता 52 बच्चों में से एक आजम को अपना विश्वसनीय सहयोगी जो था उसको कथित तौर पर अपने संरक्षक आजम को उसने मार डाला। किसने बच्चों? ओसामा ने, ठीक है, और वह अलकायदा का सर्वोच्च नेता बन सका कौन? ओसामा बिन लादेन। 1984 में देखें तो दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से पाकिस्तान में पेशावर में अल खिदमत लील मुजहिदीन अल अरब, ठीक है, इसकी स्थापना की। एमए की नेटवर्क है जो कि 35 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में फैला हुआ है? 35 कंट्रीज में फैला हुआ है। सोवियत विरोधी है। अफगान जिहाद को ठिकाने प्रशिक्षित वित्त पोषित किया गया है। अलकायदा के अंदर एक अच्छी तरह से शोध कार्य रोहन अगर हम देखें तो गुड़रत्न में आसियान बिन जो ओसामा बिन लादेन है ये ओसामा बिन लादेन और अल की प्रकृति की गतिविधि को अभिव्यक्त किया गया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। इसी तरीके से मैं आपको डेली लाइव क्लासेस दे रही हूँ, ठीक है, जो बच्चे आज आए थे, ठीक है, तो उनको भी पता चला होगा, ठीक है। तो इसी तरह से लाइव क्लासेस चल रही हैं, पेपर वन पेपर टू के लिए लेसन जो मिल रहे हैं टॉप एडुकेटर्स के द्वारा, वीकली क्विजेज हो रहे हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन हो रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर मीनाक्षी सिंह सर्च करके मेरे फ्री लेसन्स को देख लेना, अगर अच्छे लगे तो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो और मेरी रेगुलर लाइव क्लासेस में आप आ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।